Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। दोस्तों, शिक्षण विधियों का जो साइकोलॉजी का जो पार्ट फर्स्ट था और जो पार्ट सेकंड था, जिसमें 100-100 प्रश्न मैंने डाले थे, उनका यहाँ पे जिन जिन प्रश्नों में कन्फ्यूजन था उनके मैंने सोल्यूशन बता दिए हैं। अब ये जो 1111 प्रश्नों की जो सीरीज है, इसका ये पार्ट 3 है और इसमें भी 100 प्रश्न हैं और ये 100 प्रश्न शिक्षण विधियों के हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत ही ज़्यादा, कि सर उनमें बहुत सारे प्रश्नों में आंसर गलत टाइप हो रहे हैं या फिर कुछ में आंसर टाइप नहीं हो रहे। तो बिल्कुल 100 प्रश्नों के जवाब दूंगा और आपको कारण भी बताऊंगा कि किस आधार पे इस प्रश्न को सही माना गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को समझ करके किस प्रकार से आंसर माने हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है इसका, हर्बर्ट उपागम के जनक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर, किल पैट्रिक, जे हर्बर्ट और जिलर वेराइन। राइट आंसर क्या मान रखा है? 3 मतलब जे हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को हर्बर्ट उपागम का जनक कहते हैं। अब बहुत सो का कमेंट था कि सर हर्बर्ट स्पेंसर है, तो हर्बर्ट स्पेंसर तो भाई हर्बर्ट के शिष्य थे, ये तो हर्बर्ट स्पेंसर हर्बर्ट के शिष्य थे, ये जनक नहीं है। जनक किसको माना गया है? जे एफ हर्बर्ट है हर्बर्ट उपागम के जनक, जो कि बिल्कुल सही लिखा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, आता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, देखिए, अध्यापकों में शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, दूरस्थ शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण? तो यहाँ पे राइट आंसर था सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है? ये तो सिखाया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाता है, तो फिर चौथा वाला ही ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, ये भी बिल्कुल सही टाइप है। प्रश्न नंबर तीसरा था, दैनिक पाठ योजना का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। राइट आंसर कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। तो भाई प्रस्तुतिकरण को ही पाठ योजना का सबसे प्रमुख भाग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में ही संपूर्ण पाठ को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है दूसरा वाला। प्रश्न नंबर चौथा था, हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना के निर्माण हेतु कितने पद बताए हैं? 6, 7, 9 और 5। तो दोस्तों इसके 5 पद बताए हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सिद्धांत 4 दिए थे जे पर बर्ट ने, उनके आधार पे 5 पद निर्मित किए, तो चौथा वाला ही ऑप्शन दे रखा है, वही सही है। प्रश्न नंबर 5वां था इसमें, जो विद्यार्थी किसी निजी कारण हेतु शिक्षण बीच में ही छोड़ देते हैं, उनके शिक्षण हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाना उचित है? खेल विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या दूरस्थ शिक्षण विधि का? तो दोस्तों, अब किसी निजी कारण से बीच में विद्यालय छोड़ रहे हैं, मतलब विद्यालय जाने में उनको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो फिर उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? दूरस्थ शिक्षण ही है, तो इसका भी चौथा वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 था इसमें, कि भारतीय उपागम के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है 36 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। तो इसमें ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये मिस प्रिंट है, मतलब मिस टाइपिंग है। यहाँ पर 45 मिनट न होकर के कितनी होती है? 36 मिनट होती है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर प्रिंट निकल रखी है तो इसकी जगह आपको 1 लिख देना है। प्रश्न नंबर 7वां है, अमेरिका उपागम में सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है, तो अमेरिका उपागम में पूछ रहा है ये 7वां प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, 7वें प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए 36 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट, तो मतलब दोनों इधर उधर टाइप हो गए। अमेरिकी उपागम के अनुसार अवधि है 45 मिनट की, ठीक है, पहला इसका। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, तो 1 की जगह आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। प्रश्न नंबर 8वां है, दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हुई थी 1930, 1840। तो जब दूरस्थ शिक्षण विधि पढ़ाई थी तो अच्छी तरह से बताया था कि 1830 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो सही भी यही है दूसरा वाले। प्रश्न नंबर 9वां था, किस विधि में समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय आने जाने इत्यादि का बंधन नहीं होता है? तो दूरस्थ शिक्षा विधि में इन सभी का बंधन नहीं होता है, यही सही है और यहाँ पर इसको ही सही माना गया है। प्रश्न नंबर 10वां था, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक है CW Beers, ब्रूस, कीथ एचिसन और DW Allen। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक, देखो कीथ एचिसन तो जनक है, जनक कौन है? कीथ एचिसन ही आएगा। अगर आप कहते हो कि बियर्स आएगा या DW Allen आएगा, तो ये गलत है, जनक कीथ एचिसन को माना गया है और वही मैंने टाइप किया है, तो जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11वां है इसका दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में एक साथ अधिकतम कितने कौशलों का विकास किया जा सकता है? तो एक बार में एक ही कौशल को सिखाया जाता है, तो एक कौशल को सिखाया जाता है, वही राइट माना गया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12वां देखिए,
सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किसने किया? सी डब्ल्यू बियर्स, ब्रूस कीथ एचिसन और डी डब्ल्यू एलेन। तो दोस्तों नामकरण तो डी डब्ल्यू एलेन ने किया था, लेकिन जनक कीथ एचिसन ने। प्रश्न की सिचुएशन को देखना है, चौथा वाला ऑप्शन है यहाँ पे, डी डब्ल्यू एलेन ने सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किया। फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? तो पुनः प्रतिपुष्टि। लास्ट में पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है सूक्ष्म शिक्षण में, वही राइट मान रखा है। प्रश्न नंबर 14 है, जे पर भट्ट के द्वारा दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु कितने सिद्धांत दिए? तो मैंने पहले बताया था चार सिद्धांत दिए, स्पष्ट व्यवस्था, संबंध और प्रयोग, ये चार सिद्धांत दिए गए जे पर भट्ट के द्वारा, ठीक है, और चौथा ही राइट माना गया है। प्रश्न नंबर 15 था, जे पर भट्ट के स्पष्टता के सिद्धांत को किसने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण नामक दो पदों में बांटा? तो दोस्तों स्पष्टता के सिद्धांत को बांटने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर है जिलर ने। बिल्कुल जिलर ने स्पष्टता को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के दो भागों में बांटा था। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है? तो डीडी तिवारी है सूक्ष्म शिक्षण का जनक भारत में, और जबकि नॉर्मली पूछे तो फिर कीथ एचिसन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निदानात्मक व उपचारात्मक विधि है जिसमें निदान भी किया जाता है और उपचार भी किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें सूक्ष्म शिक्षण विधि। 17 में जो आंसर मैंने टाइप नहीं किया था मिसप्रिंट गलती से, तो यहाँ पर दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण विधि में निदान और उपचार दोनों चीज़ें की जाती है। निदान का मतलब यहाँ पर उसको पढ़वाया जाता है, फिर उसकी कमजोरियों को देखा जाता है, फिर उनमें कुछ सुधार करते हुए उनको सुधारा जाता है, तो वो उपचार हो गया। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? सूक्ष्म शिक्षण। यहाँ पर आपको तीन लिख लेना है सूक्ष्म शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में 1960 तक किस उपागम के आधार पर दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता था? तो बिल्कुल यहाँ पे हर्बर्ट उपागम के आधार पे, जो जे पर भट्ट ने दी थी उस आधार पे ही 1960 तक भारत में दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो दूसरा वाला ये ऑप्शन इसका सही है, और दूसरे वाले को ही यहाँ पे टाइप किया गया है। देखिए 19वां प्रश्न है, पठन कौशल का उदाहरण है, तो तीसरा ऑप्शन था सीता किताब पढ़ रही है, पढ़ना पठन कौशल में है आई गई, तो बिल्कुल ये भी सही टाइप है। प्रश्न नंबर 20वां है, सबसे सरल भाषाई कौशल माना जाता है, सबसे सरल कौन सा है? सुनना, श्रवण कौशल, तो तीसरा ही राइट यहाँ माना गया है। प्रश्न नंबर 21वां देखिए, समस्त भाषाई कौशलों में सबसे पहले सबसे कठिन कौशल, तो सबसे बाद में कौन सा विकसित होता है? लेखन, तो फिर लेखन ही राइट रहेगा, कठिन भी वही रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 22वां है, लेखन कौशल के विकास हेतु बालकों को सर्वप्रथम सिखाना चाहिए। अब लेखन कौशल का विकास करना है तो लेखनी पकड़ना सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर पेन को लेखनी को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 23वां आता है दोस्तों, 23वां प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने 23वां प्रश्न, मोंटेसरी की समस्त विधियाँ किस पर आधारित है? ज्ञानेन्द्रियों पर, तो ज्ञानेन्द्रियाँ राइट है, यहाँ पर भी चौथा ही मान रखा है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। प्रश्न नंबर 24वां है, अध्यापक के द्वारा बालक में लेखन कौशल का विकास करना आवश्यक है, इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, यह अंतिम कौशल है इसलिए इसका विकास करना जरूरी है और सामान्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर माना गया है दूसरा वाला, कि इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। आपने भी देखा होगा कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है मौखिक रूप से, तो आप बताने में पूरा बताने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर वही चीज़ आपसे लिखवाई जाती है तो आप अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हो, तो इसमें दूसरा वाला ये ऑप्शन इसका सही है, और ये यहाँ पे टाइपिंग में भी दूसरा ही है। प्रश्न नंबर 25वां देखो, प्रश्न नंबर 25वां है ये, ठीक है, 25वां प्रश्न, शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्णमाला को श्यामपट पर लिख दिया जाता है, तत्पश्चात सभी छात्र सरलता के आधार पर स्वतंत्र रूप से वर्णों का चयन करते हैं और वर्णमाला का लेखन करना सीख जाते हैं, शिक्षक द्वारा वर्णमाला लेखन हेतु कौन सी विधि उपयोग में लाई जा रही है? तो क्या कर रहा है शिक्षक, वर्णमाला लिख रहे हैं फिर छात्र स्वतंत्र रूप से, तो अनुकरण विधि के दो प्रकार हैं, एक तो स्वतंत्र अनुकरण विधि, एक रूपरेखा अनुकरण विधि। अब यहाँ देखो स्वतंत्र अनुकरण ऑप्शन में नहीं है तो फिर अनुकरण ही सही माना जाएगा, ये भी बिल्कुल सही टाइप है। प्रश्न नंबर 26वां देखिए, श्रवण कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि, अब देखो श्रवण कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है गीत व कहानी विधि, किंतु अगर यहाँ पे खेल आ जाता और गीत कहानी दोनों आ जाते तो खेल राइट होता, मैं वो कैसे होगा, मैंने वो भी प्रश्न डाल रखा है, और चौथाई वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 27वां देखो, भाषाई कौशलों का सही क्रम है, तो भाषाई कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तीसरा वाला है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28वां देखिए, 28वां प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है?
भाषा के कौशल में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, ये तो थोड़ा गलत लग रहा है। भाषा के कौशलों में मूल रूप से सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत लग रहा है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, ऐसा देखो मॉन्टेसरी ने तो पहले पढ़ना सिखाया, पहले लिखना फिर पढ़ना, तो देखो जरूरी नहीं है क्रमबद्ध रूप से सीखे, लेकिन भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है और टाइपिंग में भी चौथा वाला ही है। प्रश्न नंबर 29वां देखो, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन में देखो गहन अर्थ ग्रहण करना, मौन पठन क्यों करवाया जाता है कि छात्र उस विषय वस्तु को गहन अर्थ ग्रहण करे, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 30वां देखिए, निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है, तो देखो सस्वर पठन होता है, मौन पठन होता है, द्रुत पठन होता है, लेकिन अर्थ पठन नहीं होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 31वां देखो, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो पठन कौशल में सर्वाधिक महत्व है मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करना, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। देखो 32वां प्रश्न आया था, लेखन कौशल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है सुलेख चित्रांक, सबसे कम महत्वपूर्ण है, कम भी देखना है, मन की बात लिखना और घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना। तो दोस्तों सुलेख तो सभी आ ही जाएगा, चित्रांक मतलब चित्रों को देखकर उनका अंकन करना, मन की बात लिखना और घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना, तो यहाँ चौथा ऑप्शन इसलिए राइट माना गया है क्योंकि घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन में आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना ही नहीं होता है, खुद अपने वहां पे आपको जो देखा है वही लिखना पड़ेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट माना गया है, ऑप्शन के आधार पे है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 33वां देखो, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो भाषा के सीखने के संदर्भ पहला वाला आंसर राइट मान रखा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 34वां देखिए, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आपको पठन कौशल का विकास करना है, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर बल देना, फिर इसके अलावा इसका अगला ऑप्शन आता है, देखिए अगला ऑप्शन ये रहा आपके सामने, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री और पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन सही माना गया है जो बिल्कुल सही है, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 35वां है लिखना, देखो लिखना क्या है, लिखना दूसरा वाला ऑप्शन सही है, एक तरह की बातचीत है भाई, लिखना एक तरह की बातचीत है, अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि लिखना जल्दी प्राप्त हो जाए, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया गलत है, एक बेहद जटिल गलत है, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 36वां आता है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, जो बिल्कुल सही है, चौथा वाला ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है दोस्तों 37वां प्रश्न, किस साहित्य विधा को पढ़ाते हुए आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा यात्रा वृत्तांत को, मतलब बोल करके ही आपको उस चीज को पढ़ाना पड़ेगा, यात्रा वृत्तांत को। प्रश्न नंबर 38वां है, पठन कौशल का अभिप्राय है वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना, लिपि चिन्हों की पहचान और शब्दों को पढ़ना, दोस्तों वैसे तो सारे राइट है, लेकिन पठन कौशल का मतलब है कि भाई वो पढ़कर समझ भी जाए तो वो सबसे राइट माना जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, तो दोस्तों सस्वर पठन क्यों कराया जाता है, कि बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक दूर हो, चौथा वाला ऑप्शन सही माना गया है। 40वां देखिए, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, बोलने की गति तेज रखना और आंखों देखा वर्णन करना, तो यहाँ पे सर्वाधिक है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए बोलते समय। प्रश्न नंबर 41वां देखिए, भाषा शिक्षक का दायित्व यह है कि वह सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे और सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, तो दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन ये दोनों थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली बिल्कुल सही अगर माने तो सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता जो है उनको पहचानना चाहिए और पहचान कर विकसित करना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए। अब यहाँ पर देखो दोनों राइट माने जाएंगे कि सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता भी विकसित करें वो, और सभी बच्चों की पहले भाषाई क्षमता को पहचाने, तो अब जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे मैंने चौथा वाला क्यों नहीं लिखा राइट, क्योंकि देखो जरूरी थोड़ी है कि सभी बच्चों में एक समान कुशलता विकसित कर देगा वो, इसलिए दूसरा वाला पहचान सकता है लेकिन विकसित करना उसके हाथ में, जरूरी नहीं है कि
हर बच्चा एक समान भाषा कौशल विकसित कर लेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही माना था। प्रश्न नंबर 42 वा देखिए, बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, तो मातृबोली के रूप में सीखता है, सही है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अवसर है, तो परिवार मित्र खेल सभी से भाषा सीखता है, जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 44 वा देखिए, बालक की पहली पाठशाला तो उसका परिवार होता है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रश्न नंबर 45 वा देखिए, प्रार्थना सभा में समाचार कथन से किस योग्यता का विकास होता है, तो प्रार्थना सभा मतलब जो प्रार्थना होती है वहाँ पर समाचार कथन अगर कोई कहता है तो दोस्तों वहाँ पर बोलने की कौशल का विकास होगा, बोलने का, न कि अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति में तो क्या खुद के विचार रखना, लेकिन समाचार कथन में थोड़ी खुद के विचार होते हैं, तो बोलने की कौशल वाला ही आएगा। प्रश्न नंबर 46 वा देखिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु कितने तत्व है, बिल्कुल चार तत्व है, श्रवण, लेखन, पठन और एक तो श्रवण, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार है, तो ये बिल्कुल सही माना गया है। 47वां देखिए, कौन सा कार्य पहले कराना उचित है, तो सबसे पहले सुनना है, ऑप्शन में पहला कौशल की बात कर दीजिए कर रही है यहाँ पे, तो सुनना ही राइट रहेगा। 48वां देखिए, ग्रह्यात्मक कौशल कौन से है, ग्रह्यात्मक मतलब वह कौशल जिनके माध्यम से किसी भी सामग्री को या किसी के भी विचारों को ग्रहण किया जाता है, तो एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं, एक पढ़कर ग्रहण करते हैं, बिल्कुल यही राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, नर्सरी व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो देखो गीत व नाट्य प्रणाली यहाँ भी बिल्कुल सही है, खेल ऑप्शन में नहीं है, तो ये राइट रहेगी पहली वाली। 50वां प्रश्न देखिए, रंगमंच अभिनय विधि है, तो रंगमंच अभिनय नाटक शिक्षण की है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, रंगमंच अभिनय पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर अब आपको देखना है 51वां प्रश्न, ठीक है, 51वां प्रश्न आता है ये आपके सामने, ये रहा, शैक्षिक निदान किया जाता है, तो निदान छात्र का किया जाता है, सही है बिल्कुल, निदान छात्र का किया जाता है लेकिन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। फिर प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य, तो दोस्तों प्रस्तावना का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, और यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर उद्देश्य कथन करना, ये यहाँ पर राइट माना जाएगा, लेकिन अगर ये भी ऑप्शन में है नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु तत्पर करना तो फिर ये राइट माना जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत होता है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही टाइप है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, चिकित्सात्मक अध्यापन, तो चिकित्सात्मक अध्यापन अगर जहाँ पर आ जाता है उसको निदान के अंतर्गत ही रखेंगे, न कि उपचार के अंतर्गत। अगर चिकित्सात्मक अध्ययन कहीं पे भी दिख जाता है तो उसको निदान ही करना है हमेशा, आपको क्या करना है, निदान। और अगर यूँ कहे कि चिकित्सात्मक हल वहाँ पर ऐसा करे, चिकित्सात्मक द्वारा समस्या का हल, तो फिर वहाँ पर उपचार आ जाएगा, लेकिन अध्यापन में यहाँ पर निदान होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 55वां देखिए, श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, तो चौथा वाला है निष्प्रयोजन बनाना, निष्प्रयोजन का मतलब क्या होता है, बिना उद्देश्य का बनाना, तो देखो भाई बिना उद्देश्य की कोई शिक्षा थोड़ी होती है, तो चौथा वाला ये गलत पूछ रहा है ये, तो बिल्कुल यही सही है, गलत है। तो 56वां देखिए, अब सतत व व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो देखो छात्रों के विकास के पक्षों पर जोर न देना, ये राइट मान रखा है, तो विकास के पक्षों पर तो जोर देता है, तो बिल्कुल ये नहीं पूछ रहे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। 57वां देखिए, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है, तो सत्य असत्य परीक्षण बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण कहलाता है, मतलब आपको यहाँ पे यूँ देखना है कि चुनाव करना है एक से अधिक संख्या वाले परीक्षणों का, बिल्कुल सही है, ये भी पहला वाला आएगा। रंगमंच अभिनय विधि वापिस आ गया, प्रश्न नाटक की है, बिल्कुल बता रखा था। प्रश्न नंबर 59 देखिए, अब हर्बर्ट उपागम के पद, ये भी डबल आया है प्रश्न, तो हर्बर्ट उपागम के वही यहाँ पे कितने पद है, 5 पद है। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल कठिन से सरल बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही टाइप है ये भी। प्रश्न नंबर 61 देखिए, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, तो भाई मोबाइल फ़ोन का क्या काम है भाषा प्रयोगशाला में, पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, और जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 62वां देखिए, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है, उच्चारण मतलब बोल करके, तो मौखिक परीक्षा द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 63वां देखिए दोस्तों, 63वां प्रश्न आता है ये वाला, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, तो देखो उपहास थोड़ी करेंगे किसी का मजाक थोड़ी उड़ाएंगे उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही टाइप है। 64वां देखिए, भाषा शिक्षण की श्रुतलेख विधि का मुख्य उद्देश्य नहीं है, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, तो दोस्तों यहाँ पे है हस्तलिपि सुधारना, ये इसका मुख्य उद्देश्य
नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। मैंने जो टेस्ट लिए थे उनके भी लगभग लगभग सभी प्रश्न मैंने इन प्रश्नों में शामिल किए हैं, तो वहाँ पर किसी प्रश्न में जो गलतियाँ थी वहाँ यहाँ उन प्रश्नों की गलतियों को आपको दूर कर लेना है। 65वां प्रश्न आता है दोस्तों, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि, तो अनुकरण किस स्तर पे उपयोगी होती है, हमेशा प्राथमिक स्तर पे उपयोगी होती है, तो फर्स्ट वाला ही सही रहेगा। 66वां प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है क्या है, कि शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। प्राथमिक छोटे छोटे बच्चे हैं तो शुद्ध उच्चारण ही आएगा, बिल्कुल सही है, ये भी पहला वाला ही आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 67वां प्रश्न देखना है आपको अब, ये रहा 67वां प्रश्न। ये प्रश्न आता है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली। अब देखो ये आया प्रश्न, व्याख्या, तुलना, गीत और खेल। दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली अगर गीत भी और खेल भी हो तो वहाँ खेल ही आएगा, चौथा वाला खेल ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक श्रवण कौशल किस स्तर पर विकसित किया जाता है, प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनकी खेलों में रुचि रहेगी, जैसे नीर तीर के खेल खिलाओगे तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, चिड़िया उड़, ये उड़, फलाना उड़, डीका उड़, जो जो भी उड़ना है तो अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, तो बिल्कुल खेल ही आएगा इसमें। कोई गीत कहता है जो बिल्कुल गलत है, अगर खेल ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहाँ पर गीत राइट माना जाएगा। क्लियर, याद रखना है इस चीज़ को। प्रश्न नंबर 68वां देखिए, 68वां प्रश्न आता है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण संबंध, भाषा का प्रयोग, और सभी जो बिल्कुल सही है। 69वां प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सभी है भाषा शिक्षण के सिद्धांत जितने भी दे रखे। 70वां प्रश्न है, छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कल्पना शक्ति छोटे बच्चों की, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है परियों की कहानियां, इसमें राइट माना गया था, ठीक है, परियों की कहानियां ही मैंने टाइप कर रखा है जो सही है। नेक्स्ट है, योजना विधि के प्रवर्तक है, तो दोस्तों योजना विधि के प्रवर्तक क्यों नहीं है, जॉन डीवी है, बिल्कुल सही है, ये भी फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। 72वां प्रश्न है, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है, तो भावात्मक मतलब अभिवृत्ति से संबंधित है, तो दूसरा वाला, और यहाँ पे भी सही टाइप है। 73वां प्रश्न देखिए, पद्य शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि है, तो दोस्तों पद्य शिक्षण में सर्वाधिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक विधि का। 74वां प्रश्न देखिए, लेखन शिक्षण के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है अच्छी तरह से, कौन सी विधि है, खेल खिलौना विधि लेखन शिक्षण के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है, और बिल्कुल सही ऑप्शन इसका टाइप है। प्रश्न नंबर 75वां देखिए, खंडानवे विधि को कहा जाता है, तो खंडानवे विधि को प्रश्न उत्तर विधि कहा जाता है, ये भी पढ़ा रखा है। 76वां है प्रश्न है, शिशु सर्वाधिक ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, तो वही ज्ञानेन्द्रिय आता है, मोन्टेसरी ही रह जाएगी, चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा। 77वां प्रश्न है, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है, तो सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को पहले सिखाया जाता है फिर समग्र रूप को सिखाया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण, ये भी आपको पढ़ा रखा है। प्रश्न नंबर 78वां आता है, प्यासा कौवा, लालची कुत्ता इत्यादि कहानियाँ किस विधि पर आधारित है, तो दोस्तों यहाँ पे सही राइटर कौन सा है, चित्र कहानी विधि, कि भाई ऊपर चित्र लगे हुए हैं नीचे कहानियाँ लिखी हुई है, तो चित्र कहानी विधि पर आधारित है, दूसरा ही सही आएगा। 79 प्रश्न देखिए, 79वां, छात्रों के सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए, तो दोस्तों समुचित उपचारात्मक कार्य। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि निर्धारित सभी पाठों की व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति गलत है, छात्रों अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, सतत अभ्यास कार्य, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे राइट आंसर रहेगा समुचित उपचारात्मक कार्य। अगर छात्र किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं, कमी रह जाती है, तो उनके समाधान के लिए उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। 80वां प्रश्न आता है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, सतत मूल्यांकन का निहितार्थ वैसे तो देखो बच्चों में परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना भी है और बच्चों में भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन कर लेना भी है, लेकिन दोनों में से बेस्ट आंसर तीसरा वाला ही रहेगा, इसलिए मैंने टाइप भी तीसरे वाले को ही किया है। 81 प्रश्न आता है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सामान्यतः कितने सोपान होते हैं, तो दोस्तों इसके 7 सोपान होते हैं जो बिल्कुल सही है। 82 प्रश्न आता है दोस्तों, 82वां प्रश्न है, निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण आधारित है, तो शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित है, अगर कोई कहता है कि सभी पे है तो बिल्कुल गलत है, तो उपलब्धि परीक्षण किस पर आधारित होता है, शिक्षण उद्देश्यों पर।
अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके 83वां। 83वां प्रश्न क्या कहते हैं, देखो, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से, परीक्षा से। तो बिल्कुल मूल्यांकन से ही किया जाता है अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय। प्रश्न नंबर 84 है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होती है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं होती है, ये इसका राइट आंसर है, ये गलत टाइप है, यहाँ पे दूसरे की जगह तीसरा राइट माना जाएगा, ठीक है। तो विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होती है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं होती है। मैंने जब टाइप किया तो ये नहीं शब्द ध्यान में मेरे नहीं आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे होती है निबंधात्मक कर दिया होगा, जबकि नहीं होती है। तो वस्तुनिष्ठ में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। 85 प्रश्न आता है, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान है। तो अनुभव शंकु एडगर डेल ने दिया था, जो सही है बिल्कुल। 86वां प्रश्न देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। तो दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है, जो बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 87वां है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आप किताब बना रहे हो भाषा की, तो सबसे कम इम्पोर्टेंस किसे दोगे। तो यहाँ राइट आंसर है पाठों की संख्या। ये जरूरी नहीं है कि पाठों की संख्या ज़्यादा हो कम हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है 88वां प्रश्न, बहुभाषिता। तो दोस्तों बहुभाषिता मतलब एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं वही बहुभाषिता कहलाती है। तो उसको आप भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तीसरा वाला सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही टाइप है। 89वां प्रश्न है, सहस और पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो सहस और पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, इसीलिए तो सहस और पठन कराया जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन ही इसका सही रहेगा, जो बिल्कुल सही है यहाँ पे टाइपिंग में भी। चलिए 90वां प्रश्न देखते हैं, भाषा कौशल, भाषा के आधारभूत कौशल वो अंतर संबंधित होते हैं। ये प्रश्न भी डबल बार आ गया है, जो बिल्कुल सही है, बताया दिया था पहले भी। 91वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि। तो ये भी पढ़ा रखा है, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की अच्छी विधि है। प्रश्न नंबर 92वां देखिए, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। तो दोस्तों इसमें एकांकी भी सही है और निबंध भी सही है, इसलिए मैंने 2 और 3 दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 93वां देखिए, रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है। तो रूपरेखा किस में किया जाता है, रचना शिक्षण में। रूपरेखा परीक्षण जो शिक्षण पद्धति होती है उसका संबंध किससे होता है, रचना शिक्षण से होता है, जो बिल्कुल सही है। 94वां प्रश्न है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में। तो जो बिल्कुल विशिष्ट से सामान्य की पूछ रहा है तो आगमन ही राइट रहेगा इसका। 95वां प्रश्न देखिए, कहानी शिक्षण के लिए प्रभावी विधि है। तो कहानी कथन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति, चित्र कहानी, सभी यहाँ पे कहानी शिक्षण के, कहानी कथन की विधियाँ हैं। 96वां प्रश्न है, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो दोस्तों कक्षा अभिनय ये भी अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, ये भी बिल्कुल सही टाइप है। प्रश्न नंबर 97वां है, पाठ्यपुस्तक विधि के जनक है। तो दोस्तों पाठ्यपुस्तक विधि के जनक कमेनियस है, लेकिन अगर ये प्रश्न अगर संस्कृत में आ जाता तो वहाँ पर राइट आंसर रहता डॉक्टर वेस्ट। दोनों अलग अलग है, संस्कृत में पूछे तो डॉक्टर वेस्ट और हिंदी में पूछे तो कमेनियस, बिल्कुल हिंदी का प्रश्न है, तो यहाँ पे चौथा सही रहेगा। 98वां प्रश्न है, कौन सी विधि में व्याकरण का छात्र की मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। तो छात्र का की मातृभाषा में व्याकरण का अनुवाद किस में किया जाता है। तो भाषा संसार की विधि में क्या होता है कि जो व्याकरण है उसका अनुवाद छात्र की मातृभाषा में कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 99वां आता है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षक को गद्य पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थबोध विधि का। ठीक है, बिल्कुल 100% सही है, गद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि अर्थबोध विधि है। प्रश्न नंबर 100वां और अंतिम प्रश्न आता है, नकल करना आधारित है। तो दोस्तों मैंने ये भी पढ़ाया था, प्रतिलेख का मतलब ही क्या होता है, नकल करना होता है। तो ये है 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अपने दोस्तों को भी आप इसको अच्छा लगता है तो भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।